तो गाइस, जैसा कि आप लोग सुन पा रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ हो रहा है और यहाँ पे लोग तरह तरह के रंग खेल रहे हैं। और कुछ लोग तो इसको वारसी रंग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये करना तो गलत है, ये हम लोग के धर्म में है नहीं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे तो भाईचारे के लिए इसको खेला जा रहा है और किया जा रहा है शायद। लेकिन वैसे ये चीज़ तो जायज़ नहीं है। लोग तरह तरह के रंग यहाँ पर खेल रहे हैं और यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चलिए, इन लोगों की बात यहाँ पे ही रख देते हैं और आगे का जो भी है वीडियो हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे ज़रूर गाइस। तो आप लोग भी सुन सकते हैं कि ये लोग कितना ही ज़्यादा उत्साहित और कितना ही ज़्यादा मतलब जुनून के साथ यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, या वारिस, और होली में डूबे हुए हैं। आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे गाइस। तो काफ़ी पुराना ये वीडियो हो चुका है क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं ये वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। अभी फ़िलहाल मुझे वक्त इतना मिला कि मैं इसमें कुछ वॉइस दे के और एडिटिंग करके आप लोगों तक अपलोड करके दिखा सकूं गाइस। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी लंबा वीडियो है गाइस। यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे लोग वजू बनाने के लिए जाते हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा अगर आप लोग गए होंगे। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और खुश महसूस होता है क्योंकि यहाँ के अंदर का जो ग्राउंड है वो काफ़ी लंबा और चौड़ा है। शायद तो इतना ज़्यादा लंबा और चौड़ा नहीं होगा इतना ज़्यादा सफाई से, लेकिन गाइस जो भी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और बहुत कम ही लोग को नसीब होता है यहाँ तक पहुँचने का गाइस। तो चलिए, अब हम इसके अंदर तो है ही हैं, लेकिन अभी अंदर जाएंगे हम और फातिहा कराएंगे। फातिहा कराने के बाद में फिर जो उसका नज़ारा होगा, जो भी हो सकेगा वो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा गाइस। और ये देखिए, इनको तो देख ही रहे, काफ़ी ये झूम रहे हैं अंकल। चलिए गाइस, तो ये देखिए यहाँ पे चाचा जी बहुत हंस रहे हैं यहाँ लोग, क्या कहें। चलिए गाइस, तो चलते हैं अंदर अब। बारह बजे के टाइम जाता है और जब भी आप वहाँ से